कम जगह में भी आप बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। आप चाहे पौधे हैंग करें, वर्टिकली लगाएं, या किसी वेस्ट में लगाएं। स्पेस सेविंग का आइडिया बहुत अच्छा है। आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी ऐसे प्लांट्स जिन्हें इस टाइम आप कटिंग से ग्रो करके 5-10 सालों के लिए अपनी हैंगिंग बास्केट रेडी कर सकते हैं। सभी पौधे बहुत ही हार्डी हैं, जिन्हें सिर्फ एक बार आप हैंगिंग में लगाएं, फिर कितने सालों तक ये पौधे इन्हीं हैंगिंग बास्केट में आराम से चलते रहते हैं। बस टाइम टू टाइम इनमें वाटरिंग एंड लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं ताकि इनकी ओवरऑल ग्रोथ अच्छे से चलती रहे, और बरसात में तो ये सभी पौधे रॉकेट की स्पीड से दौड़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हैंगिंग बास्केट के लिए पॉटिंग मिक्स जो है वो रेडी कर लेंगे। तो उसके रेशियो जो है वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये देखिए, ये है कोकोपीट, जो कि हमारी हैंगिंग बास्केट को लाइट वेट बनाएगी और काफ़ी टाइम तक कोकोपीट में मॉइस्चर भी बना रहता है, क्योंकि हैंगिंग बास्केट को हम हैंग करते हैं तो पानी देने में कभी कभी चूक हो जाती है। तो ऐसे में कोकोपीट जो होती है वो मॉइस्चर जो है हमारे पौधों में बनाए रखती है। यहाँ पर मैंने वेल्डेंट सॉइल जो है वो रखी हुई है, जिसमें मैंने एक पार्ट गार्डन सॉइल और थोड़ा सा एक ही हिस्सा मैंने इसमें रेत जो है वो मिला ली है, ताकि हमारी जो मिट्टी है वो उसमें पोरोसिटी बनी रहे। और इसमें आप कोई भी कंपोस्ट मिला सकते हैं, गोबर खाद है तो वो भी ठीक है, वर्मी कंपोस्ट अगर आप कोई भी कंपोस्ट यूज़ करते हैं तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पर साथ में ये देखिए, यहाँ पर मैंने फंजीसाइड जो है साफ वो भी हम मिला लेते हैं और अच्छे से ये सारा पॉटिंग मिक्स जो है वो मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हैंगिंग बास्केट के लिए हमें पॉटिंग मिक्स जो है वो अच्छे से रिच फर्टाइल वाला बनाना चाहिए, क्योंकि हम जो पॉटिंग मिक्स है हैंगिंग बास्केट के लिए वो एक ही बार रेडी करते हैं, फिर काफ़ी टाइम तक हम उनमें कोई भी पॉटिंग मिक्स जो है रिफ्रेश नहीं करते हैं। तो इसलिए पॉटिंग मिक्स जो बनाएं वो अच्छे से रिच फर्टिलाइजर वाला बनाएं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है फाइलोडेंड्रन हार्ट लीफ का प्लांट, और ये पौधा भी आपकी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगने वाला हो। बेस्ट पार्ट ये है कि ये एक परमानेंट प्लांट है और सालों साल चलने वाला प्लांट है। तो ये पौधे की भी हैंगिंग बास्केट आप इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं, और कुछ दिन पहले ही मैंने इस पौधे की कटिंग को मैंने कुछ दिन वाटर में डाल दिया था। आप जब भी इस पौधे की कटिंग हैंगिंग बास्केट में लगाने जाएँ तो कोशिश करें कि इसको कुछ टाइम आप इसको वाटर में डाल दीजिए, तो उसके बाद आप इसे मिट्टी में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी केयर भी सेम उसी तरह से होती है जिस तरह से मनी प्लांट की होती है। तो ये पौधा भी सिंगल लीव से बहुत ही ईजिली जो है वो प्रोपोगेट हो जाता है। सिर्फ नोड एरिया से आपने इसको मिट्टी में डाल देना है और ये पौधा भी कुछ दिन में एक्टिव हो जाएगा, रूटिंग इसकी आ जाएगी, फिर इसे आप मनचाही लोकेशन में रख सकते हैं। और इस पौधे को मिस्टिंग एंड शॉवरिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, तो ये पौधा इस टाइम पर बरसात में बहुत ही फास्ट ग्रोथ करता है। तो ये पौधे की हैंगिंग बास्केट आप जरूर से जरूर बनाएं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे की हैंगिंग बास्केट हम इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं वो है मनी प्लांट, जो सालों साल हैंगिंग बास्केट में बड़ी फास्ट ग्रोथ करते हैं। फ्रेंड्स, टाइम टू टाइम मैं मनी प्लांट की कटिंग को ग्रो करती रहती हूँ, और ये भी कुछ कटिंग्स मैंने पहले ही पानी में डाल दी थी, और अब आप ये देख सकते हैं इसकी जड़ें जो हैं वो भी बन गई हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बहुत जल्दी अपनी मनी प्लांट को बुशी देखना चाहते हैं तो इसकी ढेर सारी कटिंग आप इसको सिंगल लीफ से लगा दीजिए, जिससे आपकी हैंगिंग बास्केट बहुत ही खूबसूरत और बुशी रेडी होगी। और आखिर में कटिंग लगाने के बाद आप इसमें वाटरिंग करके इसे मनचाही जगह पर आप इसको प्लेस कर सकते हैं। तो ये पौधा भी आपकी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मिट्टी आप इसकी हमेशा मॉइस्ट रखें, और मिस्टिंग एंड शॉवरिंग हमारे मनी प्लांट को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, जिससे कि हमारी जो मनी प्लांट है वो बहुत ही फास्ट ग्रोथ करती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे की हैंगिंग बास्केट हम इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं वो है पोलका डॉट प्लांट, और बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी छोटी छोटी कटिंग बहुत ही जल्दी जो है वो रूटिंग पर आ जाती है। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये एक बेहद ही खूबसूरत छोटी छोटी पत्तियों वाला रंगीन परमानेंट प्लांट है, और इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। काफ़ी इसकी लुक काफ़ी देखने में भी अच्छी लगती है, काफ़ी ये बुशी लुक वाला प्लांट होता है। तो अगर आप इसको छोटी छोटी कटिंग से इस टाइम पर इनकी हैंगिंग बास्केट बनाएंगे तो बरसात में इसकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट होगी और ये बहुत ही जल्दी पूरे पॉट को कवर कर लेगा। और ये एक परमानेंट प्लांट होने की वजह से ये सालों साल आपका साथ निभाएगा। बस एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि मिट्टी आप इसकी हमेशा मॉइस्ट रखें, और मिस्टिंग एंड शॉवरिंग इस पौधे को भी बहुत पसंद है, बट टाइम टू टाइम इनमें आप नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि इनके पौधों में इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम जो है वो अक्सर देखी जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने छोटी छोटी कटिंग से इसका भी हैंगिंग प्लांटर जो है वो रेडी करा हुआ, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है।
फ्रेंड्स, टर्टल वाइन भी हैंगिंग बास्केट में सालों साल चलने वाला प्लांट होता है और इसकी ब्रांचेस ट्रेल करते हुए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। मैं सजेस्ट करूँगी आप इसकी कुछ हैंगिंग बास्केट अभी रेडी कर लीजिए, क्योंकि बरसात का सीज़न चल रहा है और इस टाइम पर इसकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है और जब इसकी ब्रांचेस लंबी लंबी ट्रेल करती हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। छोटी छोटी टिप की कटिंग से इस पौधे को आप प्रोपोगेट करके इसकी हैंगिंग बास्केट इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं। सर्कुलर टाइप का होने की वजह से फ्रेंड्स इसको वाटर की भी नेसेसिटी काफ़ी कम रहती है। समर ग्रोइंग इसका पीरियड होता है, विंटर में ये पौधा थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है, बट जैसे ही स्प्रिंग आती है ये पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है। आप इसकी ब्रांचेस का कुछ बंच भी काट कर अगर मिट्टी में फैला देंगे फ्रेंड्स तो ये पौधा बहुत ही तेज़ी से फैलता चला जाएगा। और ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा इसकी कटिंग भी डाल दी थी और आखिर में वाटरिंग करके इसको मैंने हैंग कर दिया हुआ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पौधा इस टाइम पर आप ग्रो कर सकते हैं वो है क्रीपिंग चार्ली का प्लांट, जो सालों साल साथ निभाने वाला प्लांट होता है। फ्रेंड्स, इसकी जो लीव्स होती हैं वो मिंट के समान होती हैं। छोटी छोटी टिप की कटिंग को ग्रो करके आप इसकी भी हैंगिंग बास्केट रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बरसात का सीज़न बहुत ही बेस्ट सीज़न होता है। इस टाइम पर इन पौधों की ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है और बहुत तेज़ी से ये पौधे पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं और हैंगिंग बास्केट में इनकी ब्रांचेज लटकती हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। ये परमानेंट प्लांट है जो सालों साल आपका साथ निभाएंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है स्पाइडर वॉर्ट, जो हैंगिंग बास्केट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये पौधा वंडरिंग जो कि फैमिली से बिलोंग करता है एंड जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये इसकी ग्रीन एंड वेरीगेटेड वेराइटी है फ्रेंड्स, और इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स भी ब्लूम कर रहे हैं। ये पौधा भी एक सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है फ्रेंड्स, और बेस्ट पार्ट ये है कि छोटी छोटी कटिंग से आप इन पौधों की भी हैंगिंग बास्केट इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं। सकुलेंट होने की वजह से इन पौधों को भी वाटर की नेसेसिटी बहुत ही कम रहती है और इसके अलावा आप इनको थोड़ा शेड में रखें ताकि इन पौधों की ग्रीनरी जो है उनके कलर जो है वो मेंटेन रहे। फ्रेंड्स, हैंगिंग बास्केट में स्पाइडर प्लांट भी बहुत ही खूबसूरती के साथ और सालों साल चलते रहते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये मेरे होममेड DIYs है जहाँ पर मैंने स्पाइडर प्लांट लगाए हुए हैं, वेरीगेटेड एंड ग्रीन, दो वेराइटीज़ में ये प्लांट आता है और ये इसके रनर से भी आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये देखिए ये मेरे होममेड कोन प्लांटर है जिनमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगा कर रखे हुए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड्स, और सेपरेट करके आप इनके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पौधा भी एक परमानेंट एयर प्यूरीफाइंग प्लांट होता है जो सालों साल चलने वाले प्लांट होते हैं। एक बार अगर आप इन पौधों को अपने गार्डन में ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो ये पौधे कभी भी आपका साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। फ्रेंड्स, स्वीट पोटैटो वाइन भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरती के साथ सालों साल चलने वाले प्लांट होते हैं, तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और ये देखिए ये इसकी ग्रीन वाली वेराइटी, इसमें एक और वेराइटी होती है जिसमें इसकी लीव्स का कलर जो होता है वो पर्पल होता है। दोनों पौधों को आप कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं। और ये देखिए ये इसकी पर्पल वाली वेराइटी, और बेस्ट पार्ट ये है कि इन पौधों को कटिंग से ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है। समर इसका ग्रोइंग पीरियड होता है तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और ये हैंगिंग बास्केट में इनकी ब्रांचेस भी लटकते हुए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। फ्रेंड्स, वंडरिंग जू भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरती के साथ और सालों साल चलने वाले प्लांट होते हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये मेरा एक DIY प्लांटर है जिसमें मैं वंडरिंग जू की कटिंग को ग्रो कर रही हूँ, तो इस टाइम पर आप भी इन पौधों को कटिंग से ग्रो करके इनकी भी हैंगिंग बास्केट रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पौधा भी एक परमानेंट प्लांट है और हैंगिंग बास्केट में ये लगने वाला बहुत ही आइडियल प्लांट होता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि इन पौधों की कटिंग इस टाइम पर बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाती हैं और ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते चले जाते हैं, तो इस टाइम पर आप इन पौधों की भी हैंगिंग बास्केट जो है वो रेडी कर सकते हैं। और ये देखिए ये मेरी पीकॉक वाली हैंगिंग बास्केट कितनी सुंदर लग रही है। फ्रेंड्स, टेंगल हार्ट भी हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये एक परमानेंट प्लांट और सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा, तो इस पौधे को भी आप इस टाइम पर छोटी छोटी कटिंग से प्रोपोगेट करके इनकी भी हैंगिंग बास्केट जो है वो रेडी कर सकते हैं। ये एक सकुलेंट टाइप का प्लांट है जिसके लीव्स में काफ़ी मॉइस्चर जो है वो रहता है, जिसके चलते इनको वाटर की नेसेसिटी भी कम रहती है। मैंने कुछ टाइम पहले बहुत सारी कटिंग्स को इस पॉट में ग्रो करा था, अब मैं इसको हैंगिंग बास्केट में शिफ्ट कर रही हूँ, तो ये पौधे इस टाइम पर बहुत ही तेज़ी से फैलते चले जाएंगे। आप इस टाइम पर इनकी भी हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं।
फ्रेंड्स, बॉलविन जो भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है जिसकी हैंगिंग बास्केट आप इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं। और ये कुछ पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, बस ये पौधे अपने आप ही फैलते चले जाते हैं। और ये मेरा बहुत ही फेवरेट प्लांट है और ये पौधा अपने आप में ही एक बुशी लुक लिए रहता है जिसको ज़्यादा प्रूनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और अपने आप ही ये एक पॉट से दूसरे पॉट में चला जाता है। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। बस इसके छोटे से बंच को काट के आपने बस एज इट इज़ इसको सॉइल के ऊपर रख देना, ये पौधे अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, अपने आप ही इन पौधों की जड़ें जो है वो बन जाती हैं। तो ये पौधे भी बहुत ही बेस्ट और परमानेंट प्लांट है जो आपकी हैंगिंग बास्केट में सालों साल चलते रहेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है बेबी सनरोज। और बेबी सनरोज भी एक सकुलेंट टाइप का फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स, जो हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरती के साथ आप सालों साल चलते रहेंगे। तो ये पौधे भी आप छोटी छोटी कटिंग से आप इजिली ग्रो कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स भी ब्लूम करते हैं और फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए आप इनको मॉर्निंग की धूप में रख सकते हैं। फूल आए ना आए, इन पौधों की ब्रांचेस ट्रेल करते हुए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो ये पौधे भी आप इस टाइम पर हैंगिंग बास्केट में छोटी छोटी कटिंग द्वारा जो है वो ग्रो करके इनके भी हैंगिंग प्लांटर्स जो है वो रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्पाइडर प्लांट की तरह चेन प्लांट भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इसके जो रनर्स होते हैं वो भी हैंगिंग बास्केट में लटकते हुए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये एक परमानेंट प्लांट है जो सालों साल आपकी हैंगिंग बास्केट में चलता रहेगा। इसकी लीव्स भी सकुलेंट होती हैं फ्रेंड, जिसके चलते इसको वाटर की नेसेसिटी काफ़ी कम रहती है। छोटी छोटी कटिंग से ये पौधे आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये एक सेमी शेड का प्लांट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि डायरेक्ट धूप में रहने से इन पौधों की लीव्स पर ब्लैक पिगमेंटेशन आ जाते हैं जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये पौधे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, जेड प्लांट भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये भी एक परमानेंट प्लांट होता है फ्रेंड्स, जिसको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इस पौधे को आप इंडोर आउटडोर दोनों ही जगह लगा सकते हैं, बट इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसको 2 घंटे की धूप में रख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसकी भी लीव सकुलेंट टाइप की होती है फ्रेंड्स और ये काफ़ी शुभ पौधे माने जाते हैं जो हर कोई अपने घर में लगाना पसंद करता है। इसकी छोटी छोटी टिप की कटिंग भी आसानी से ग्रो हो जाती है। और ये देखिए, ये भी मेरे एक वेस्ट प्लांटर थे जिसमें मैंने बहुत सारी कटिंग्स को ग्रो करके रखा हुआ है और स्पेस कम होने की वजह से मैंने इनको भी हैंग कर दिया हुआ। तो ये पौधे भी हैंगिंग बास्केट में सालों साल चलने वाले प्लांट हैं जिनको आप छोटी छोटी कटिंग द्वारा ग्रो करके इनकी भी हैंगिंग बास्केट रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है अल्टरनेंथ्रा का प्लांट। और फ्रेंड्स, अल्टरनेंथ्रा प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट में सालों साल चलने वाला प्लांट होता है फ्रेंड्स। कुछ पौधे होते ही इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं कि उनको बहुत ज़्यादा शेप देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस पौधे को भी आप छोटी छोटी कटिंग द्वारा इनकी भी हैंगिंग बास्केट आप रेडी कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये इसकी मल्टी कलर्स की वेराइटी है फ्रेंड्स। इसमें एक बिल्कुल ग्रीन वाली वेराइटी आती है। तो ये पौधे भी सालों साल आपकी हैंगिंग बास्केट में चलने वाले प्लांट है। नर्सरी में ये पौधे बहुत ही आसानी से बहुत ही मिनिमम प्राइस में यानी कि 20 से 30 रुपए तक आपको मिल जाएंगे। तो ये पौधों की भी हैंगिंग बास्केट आप इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं फ्रेंड्स। फर्न की वैसे तो बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जो हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरती के साथ सालों साल चलते रहते हैं। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है फॉक्स टेल फर्न, जो बहुत ही हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स। और इस पौधे को भी आप इस टाइम पर हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और इस पौधे को सेपरेट करके आप बहुत सारे पौधों को प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। ये पौधा भी सालों साल आपके गार्डन में चलने वाला प्लांट होता है फ्रेंड्स। इसको आप थोड़ा सेमी शेड में रखें और टाइम टू टाइम आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करते रहे तो इस पौधे की ओवरऑल बहुत ही अच्छे से चलती रहेगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये भी फर्न की एक और वेराइटी है जिसे गोल्डन फर्न कहा जाता है। ये पौधा भी बहुत हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स और ये देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितने अच्छे से चल रही है, क्योंकि फर्न की जितनी भी वेराइटीज़ होती हैं फ्रेंड्स, इनको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद होती है। बरसात में एटमोसफेयर में काफ़ी ह्यूमिडिटी रहती है जिसके चलते इनकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो जाती है। इन पौधों को भी सेपरेट करके बहुत सारे इनके पौधे जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो ये पौधा भी इस टाइम पर आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। नर्सरी से भी आप इन पौधों को लाकर अपने
हैं, गार्डन में लगा सकते हैं, काफ़ी मिनिमम प्राइस में ये पौधे आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है बेबी डियर का प्लांट। सो फ्रेंड्स बेबी डियर के प्लांट भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये भी बड़े लो मेंटेनेंस बहुत ही हार्डी प्लांट है। बेस्ट पार्ट ये है कि ये छोटी छोटी कटिंग से आप इजिली ग्रो करके इनके कुछ प्लांटर जो है वो रेडी कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच करके भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एक और मेरा पॉट है जिसमें मैंने कोलियस और इसमें पर्पल हार्ट की कुछ कटिंग्स डाली हुई हैं और इसके साइड्स पर मैंने बेबी टीयर्स की कटिंग्स डाली हुई हैं और मिक्स एंड मैच करके भी जो हैंगिंग बास्केट है वो बनाई जा सकती है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और ये सबके सब प्लांट जो है फ्रेंड्स ये परमानेंट प्लांट है जो सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप हैंगिंग बास्केट में रिबन ग्रास, इंग्लिश आईवी और रियो प्लांट को भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट्स जो इस टाइम पर आप अपनी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, जो सालों साल आपकी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही मिनिमम केयर में चलते रहेंगे। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाली मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो देखने के लिए आप सब फ्रेंड्स का बहुत बहुत शुक्रिया।